आते नहीं काम और दावे नहीं अमल के नारे की अमली तफसीर बनती चमकता दमकता कराची मुहिम पहुंची NA 237 मली डिस्ट्रिक्ट, जहां के आवाम और PTI मली डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान ने मुहिम का इफ्तिताह किया और मुहिम का साथ दिया। इलाके वालों का कहना है कि महीने से सफाई के मुंतजर इस इलाके में किसी की नजर नहीं पड़ी, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI टाइगर्स की यहाँ मौजूदगी इन लोगों की संजीदगी और आवाम के दर्द की अक्कास है। काम करना चाहिए, जिन लोगों का भैया जिनकी जिम्मेदारी है उनको काम करना चाहिए सफाई से। ये गंदगी नहीं अच्छा लगता, सफाई होती है तो आसानी होगी, क्लाइंट यहाँ खड़े आते हैं उनकी परेशानी खत्म होगी कि बदबू आती है कचरा पड़ा है, तो ये साफ सुथरा माहौल जरा सेहतमंद जिंदगी के लिए अच्छा है। इलाकाई सदर तारिक बलोच के मुताबिक हफ्तावार मुहिम में डिस्ट्रिक्ट मलीर के मुतादद इलाकों में जारी रहेगी और इस मुहिम में इलाका मकीन भी शाना बशाना है। कराची को इन्होंने कचरे का ढेर बनाया हुआ है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, ना बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं, ना बल्दियाती नुमाइंदे नजर आ रहे हैं, ना बल्दियाती जो टीमें हैं वो यहाँ पर कचरा उठाने के लिए काम करती हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनेद लाखानी साहब का, उन्होंने सफाई मुहिम का जो आगाज किया है चमकता दमकता कराची के हवाले से। आंखों में चमकता दमकता कराची बनाने के ख्वाब सजाए PTI टाइगर्स तो मसरूफ हैं ही, लेकिन अब अवाम का काम है कि वो भी अपने हिस्से का किरदार अदा करें और अपने इलाके को ना सिर्फ साफ करें बल्कि जो जगहें साफ हो गई हैं उनको भी साफ रखें। रंगों का ये शहर है रातें इसकी रोशन, इसकी सुबह भी जवां है, आगे बढ़ते ही।